सागर महज 10 मिनट लेट होने के कारण 3 छात्र छात्राओं को किया परीक्षा केंद्र से बाहर। पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर शुरू हो गए। आज 12वीं का हिंदी का पेपर था, लेकिन केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक के कड़क व्यवहार के कारण रहली विधानसभा क्षेत्र के हाफचंद ग्राम की 3 जिनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र को पहले ही दिन वंचित होना पड़ा। केंद्र अध्यक्ष अंजना पाठक के इस तरह इन छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में पेपर न करने की कैसे जानकारी सागर कलेक्टर को लगी तो तत्काल ही कलेक्टर दीपक आर्य 3 सदस्य टीम नियुक्त कर शाम 7 बजे रिपोर्ट तलब की और इन 3 छात्र छात्राओं को परीक्षा में न बैठने दिया गया है तो इसमें जिसकी गलती होगी उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस 3 सदस्यीय टीम में डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट शिक्षा अधिकारी और जिला डीओ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई। जब इस संबंध में केंद्र अध्यक्ष अंजनी पाठक से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो पहले वो मीडिया से ही पूछने लगी कि आप अपना कार्ड बताएं। तब उनको कार्ड दिखा गया तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ था? पैदल आ रहे थे, बस नहीं मिली थी, इसीलिए बस टिकट डाल नहीं पैदल आए। फिर बस 10 मिनट में बस रुकी रहे, फिर बस मिली, फिर बस नहीं आए। सो वहाँ से आ रहे थे, उन्हें जल्दी जल्दी में हमने 10 रुपया लगते थे, 20 रुपये 20-20 रुपये लाए थे, इसलिए फिर उतने से आए सोते स्कूल सो पैदल आए। इतने में 9:10 पे आ गए थे, तो इसीलिए मैम ने बैठा नहीं दिया था। कह रही थी अब नहीं, अब प्रवेश नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने बोली नहीं क्या हम लेट हो? अब हम उन्होंने बोला था कि लेट हो गई, बैठ हाथ जोड़ी थी, पाँव पड़ी थी, तो बैठा बैठा दो हमारे लिए, 1 घंटा में हमारा पेपर हो जाए। कहीं नहीं अब तो लेट हो गई हूँ, अब नहीं प्रवेश मिलेगा, ऐसे बोल रही थी, इसीलिए हमारा 1 घंटा लो। क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा लोधी। कहाँ की हो? आप चंद। तुम्हारा क्या नाम है? लोधी। कहाँ की हो? आप चंद। क्या हुआ था? हम लोग आ रहे थे, बस नहीं मिली, रास्ता में लेट हो गए। वहाँ से ऑटो वाले ने 20-20 रुपया किराया दिया एक्स्ट्रा, फिर उसने छोड़ा। वहाँ से आए, यहाँ पर पहुँचे, मैम से बोला अंदर जाने को, मैम बोली नहीं प्रवेश नहीं मिलेगा, आप लोग लेट हो गए। हम लोगों ने बोला मैम 10 मिनट लेट हुए हैं, बोली नहीं अब नहीं मिलेगा आप लोगों प्रवेश। जब तुम आई थी तो स्कूल में पेपर होने लगे थे? नहीं, कॉपी बटी थी सीट पर। तुम्हारा क्या नाम है? शिवालुद्दीन। ये परसौरिया विद्यालय में 2 छात्राओं को परीक्षा से वंचित किया गया, ये खबर अभी प्राप्त हुई है। और जैसे ही ये खबर प्राप्त हुई, मैंने समिति बनाई है जिसमें डिप्टी कलेक्टर जिसके अध्यक्ष रही और संयुक्त संचालक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी, इसमें मामले प्रकरण की संयुक्त संपूर्ण जांच करके अवगत कराएंगे और जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई। व्यवस्थाएं बना के सब, उसके बाद बच्चों को हमने आते देखा तो राउंड पूरा करके जब हम बच्चों के पास गए तो शासन का जो नियम है, मंडल का जो नियम है, उसमें 8:30 के बाद छात्रों को कक्षा में प्रवेश नहीं देना है जी, किसी भी स्थिति में मना किया गया है। तो अगर 9-10 पे बच्चे आ रहे होते तो उसमें क्यों नहीं देते? हम लोग पेरेंट्स भी हैं, हम लोग शिक्षक भी हैं, और कभी भी किसी तरीके से छात्र का अहित हम लोग भी नहीं चाहते। लेकिन साथ साथ हम लोग एक चूंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो नियमों का पालन भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कल भी एक छात्र था उसको 9:45 पर अंदर ले लिया था, 10वीं का छात्र था। नहीं, उस पहले तो उसको बाहर कर दिया। ना ना ना, देखिए क्या होता है, एक तो आप लोग पहले से अपने आप से आप लोग सोच के स्टेटमेंट लेके आते हो, फिर इस तरीके की बात 9:45 पे कैसे प्रवेश दे? और अगर एक को दे सकते थे तो दूसरे को भी देते ना। हाँ। पर ऐसा नहीं था वहां पर। वो बच्चा जो था 9:10 पे आया था, जब हम निकले तो बच्चे ने आवाज लगाई और फिर उससे उसका पूछा हमने कि क्या बात है। अब चूंकि हमें यहाँ का भौगोलिक ज्ञान नहीं है तो सर लोगों को बुलाया और वो कोई भौंरी का कोई क्रॉसिंग है वहां से वो आ रहा था, तो हमने उससे पूछा भी कि आप बाइक से क्यों नहीं आ सकते थे, बाइक तो क्रॉसिंग के नीचे से आ जाती है, आप क्यों लेट हुए बेटा? तो उसने कहा नहीं मैडम, वहां पे वो स्पीड ब्रेकर बन गया। तो जब उस बच्चे ने ऐसा बोला सर लोगों से, हमने उसको कन्फर्म किया और उसके बाद उस छात्र को प्रवेश दे दिया। तो ये तो छात्राएं स्टैंड पर बैठकर रो रही थी और बता रही थी कि हम वो 9:10 पर ही पहुंच गए थे। सर देखिए क्या होता है कि ऐसी कभी भी जब बच्चे से कोई गलती होती है ना तो कोई कभी अपनी गलती मानता है? कि बताइए, उनके तो बोलने की बात है, आप उस पर विश्वास। तो हम लोग यहाँ शासकीय कर्मचारी हैं और उत्तरदायित्व को समझते हैं। आप भी झूठ बोल सकती हैं पर तो आप भी अपनी गलती। तो पूरा स्टाफ है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो हम, मैं तो बाहर की हूँ, बाकी तो पूरे लोग यहीं के हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम लोग तो सब यहाँ पे एक टीम है काम कर रही है और जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं सारे लोग,
ऐसा भी नहीं है ये यहाँ के हैं तो कोई सर दूसरी जगह के हैं, कोई सर तीसरी जगह के हैं, और ऐसा थोड़ी है सर। आप तो ये बताइए, ये तो यही विद्यालय के बच्चे हैं। कोई भी बच्चों का हित हम लोग कभी भी नहीं सोचते, हमारे लिए छात्र सब सर्वोपरि है, लेकिन नियम का उल्लंघन भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए अगर बच्चे थोड़ा सा भी पहले 15-20 मिनट पहले भी आ गए होते तो हम लोग शायद कहीं छात्रित को दृष्टिगत रखते हुए कहीं शायद हम उसको थोड़ा सा शिथिलता करते नियमों के पालन में, लेकिन बहुत लेट हो गया था। करीब 9:38 और 40 के ऊपर का टाइम था, मैं 5वें नंबर के कमरे में थी तब राउंड पे।